सामने का नजारा देख रहे हैं ना, क्या सुंदर नजारा है। तो इसी बात पे भैया जय श्री राम आप सभी लोगों को। और अभी फाइनली निकल चुके हैं कन्याकुमारी से रामेश्वरम के लिए, और अभी इस समय वक्त हो रहा है शाम का 6 बज रहा है, और कन्याकुमारी यहाँ से मात्र 310 किलोमीटर है, और गूगल के अकॉर्डिंग टाइम जो लगेगा 5.5 घंटे लगेंगे। तो गाड़ी हम लोग एकदम हनहना के खींचेंगे और 5.5 घंटे के अंदर पहुंचने का प्रयास करेंगे। हालांकि कन्याकुमारी से अभी रामेश्वरम जो जा रहे हैं अब शाम का टाइम है, तो एकदम स्मूथली मॉर्निंग पहुंचने का टास्क है, क्योंकि कल मॉर्निंग का हम लोग का रूम चेक इन है। तो भैया नजारा देखने के बाद हम लोग से रहा नहीं गया, तो फाइनली आप लोग के लिए उतर के जो है वीडियोग्राफी कर रहे हैं, इसीलिए जो है एक लाइक कर दीजिएगा कम से कम जो है, और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और ये पवन चक्की देख रहे हैं बिजली कितने शानदार तरीके से जनरेट कर रही है, बहुत ढेर सारी लगी है सामने, देखिए जो है पूरा मतलब कि एकदम बिजली प्रोड्यूस हो रही है तमिलनाडु के अंदर बहुत, एकदम चाप के बिजली की तो एकदम कमी नहीं है ऐसा लग रहा है जो है। आ जाओ भैया चौभटका, सुलेमसराय, धूमनगंज, प्रीतम नगर, आ जाओ भैया बैठो फटाफट फटाफट बैठो। तो तमिलनाडु जो है सवारी लोड कर रहे हैं जो अपना प्रीतम नगर धूमनगंज की। तो भैया अभी ये नाश्ता चल रहा है अपना, ये देखो क्या तगड़ा स्टाइल है तमिलनाडु के अंदर कॉफी सर्व करने का, ये आशीष भाई की चाय है और ये पेटीज लिए हैं। तो भैया अभी जो है ना डीजल एकदम फुल करवा रहे हैं जो यहीं पे, अब फुल करवाने के बाद जो है ड्राइव कंटिन्यू कर रहे हैं, और इस समय वक्त हो रहा है रात के 8:18। रामेश्वरम यहाँ से 29 किलोमीटर है, और रास्ता जो है मतलब अच्छा है जब आप कन्याकुमारी से ड्राइव को स्टार्ट करेंगे रामेश्वरम के लिए, तो आपको थोड़ा सा ऑलमोस्ट 70-80 किलोमीटर 4-लाइन हाईवे मिलेगा, उसके बाद पूरा जो है आपको सिंगल लाइन मिलेगा, लेकिन बीच बीच में थोड़े थोड़े खराब खराब पैचेस हैं, बाकी रोड एकदम स्मूथ है जो है, नज़ारे भी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। और अभी आपको और आगे जो दोनों तरफ जो है समुंदर है और बीच में रोड है, अभी वो वाला भी नज़ारा मिलेगा। यहाँ से ऑलमोस्ट 20-22 किलोमीटर है वो वाला पैच, और अभी वहाँ पहुँचेंगे और फिर एकदम तगड़ा वीडियो निकालेंगे जो है, और रील वगैरह भी बनाएंगे। अगर आप इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप फॉलो कर लीजिएगा। और ये आशीष भाई जो है एकदम फुल मामला सेट करके बैठे हैं, कह रहे हैं जय श्री राम जय श्री राम, और इनको दाढ़ी बाल उल बनवाना है जो है बता रहे हैं अभी, लेकिन जो है कोई अभी इनको सलून मिला नहीं है। ये देखिए चाचा लोग भी इससे छाए से मोड़ दिए हैं जो है बिना देखे समझे। तो भैया अभी फाइनली उस ब्रिज पे आ गए जिस ब्रिज का बेसब्री से इंतजार था, और बहुत ज्यादा जो है बचपन से ड्रीम था कि मैं कभी बाई रोड इस ब्रिज पे बोले तो रामेश्वरम कभी आ भी पाऊंगा कि नहीं, लेकिन भगवान ने सुन ली, हनुमान जी ने सुन ली, और फाइनली जो है अभी आ गए हैं। और भाई इधर भी पूरा समुंदर है, उधर भी पूरा समुंदर है, और बीच में हम लोग सिर्फ गाड़ी लेके चल रहे हैं, और गाड़ी यहाँ पे लगाना अलाउड नहीं है एक्चुअली में, सिंगल लाइन ब्रिज है तो गाड़ी साइड खड़ी करेंगे तो वन साइड की लेन ब्लॉक होगी जिससे दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए अभी ड्राइव को कंटिन्यू कर रहे हैं और उस तरफ जो है लगाएंगे अगर जगह मिलेगी तो। भैया ये लो आप लोगों के प्यार में छोटा सा रिस्क लिया भाई, आवागमन में थोड़ा सा तकलीफ होता है लोगों को, क्योंकि देखिए सिंगल लाइन है तो इधर साइड का रोड जो है पूरा ब्लॉक हो गया है, तो फिर भी आपको फटाफट दिखाते हैं। ये देखिए जो है ओ भाई साहब क्या बात है यार, देख रहे हैं ना, ये देखिए एकदम नजारा भाई एकदम सेट है। तो भैया अभी फाइनली अपना होटल में आ चुके हैं, ये होटल रामेश्वरम ग्रैंड, और गाड़ी यहाँ लगा दिया है, और अंदर वाले ब्लॉक में अपना रूम है, गाड़ी अंदर ही डाल देते हैं सीधे ले चल के। 5 मिनट हुआ केवल खड़ी किए, भाई इतनी गर्म हो गई गाड़ी कि हम क्या ही बोले।
अभी जो है आ चुके हैं होटल के अंदर, यहाँ तो म्यूजिक वगैरह बज रही है, तो अंदर ही चलते हैं जो है। तो ये है रूम भाई, फैमिली रूम है पूरा, वॉशरूम वगैरह एकदम बड़ा सा नीट एंड क्लीन। और ये अपना बेड बेड है, और इधर सब पूरा सिस्टम पानी है जो है अपना। और ये बाहर का कुछ थोड़ा सा व्यू है, गाड़ी तो नहीं दिखेगी इधर से। आशीष भाई, सब सिस्टम सेट है? एकदम बढ़िया, एकदम सेट है। तो चलते हैं भैया, थोड़ा आराम आराम करते हैं थोड़ा, क्योंकि इस टाइम पे तो वक्त हो रहा है दोपहर का 12 हो गया, तो अभी कुछ देखते हैं, लंच वगैरह मंगवाते हैं जोमेटो से अगर अवेलेबल है तो। और भाई बॉडी इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गई है कि अभी थोड़ा करेंगे रेस्ट। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग को दिखाएंगे रामेश्वरम, अच्छे से पूरा एक्सप्लोर करेंगे रामेश्वरम में, और आप लोग को भी अच्छे से दिखाएंगे। तो अभी मैं इस वाले व्लॉग को यहीं पे एंड कर देता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हो तो। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर शंभू।